नमस्कार, फ्लावर्स इन किचन गार्डन चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं कविता स्वागत करती हूं। और कल आपने मेरे इस वीडियो का पार्ट वन देखा था और ये पार्ट टू है। हमने यहाँ तक मेरे गार्डन के जो अरेंजमेंट्स हैं वो देखे थे, अब हम इसके आगे के अरेंजमेंट्स देखेंगे। इस गुड़हल तक मैंने आपको बताया था, देखिए कितना सुंदर, उस समय ये खिला नहीं था, आप देखिए कितना अच्छे से खिल गया है। 4-5 फ्लावर्स तो रोज़ इसमें अच्छे से आते हैं और इस पर आजकल मिलीबग्स का भी बहुत अटैक हो रहा है, तो उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, मैं आपको मेरे सारे गार्डन का, पूरे गार्डन का अरेंजमेंट्स दिखाने वाली हूँ। ये यहाँ पे देखिए, एक और मैंने फर्श रखी है और इस फर्श के ऊपर मैंने अपने सारे रोजेज़ रखे हैं। कम से कम 10-12 रोजेज़ होंगे, तो 6-7 रोजेज़ तो मैंने इसके ऊपर ही रखे हैं, सभी अलग अलग कलर के हैं, और 2 रोजेज़ यहाँ पर साइड में रखे हैं। इसके आगे मैंने जेड प्लांट, जो मैंने वेस्ट मटेरियल, जो करवा चौथ के जो गमले होते हैं, जो कलश होते हैं, वो बच जाते हैं मिट्टी के, और उनमें मैंने ये लगाई है जेड की कटिंग, और काफ़ी टाइम हो गया अच्छे से चल रही है। और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है जेड बॉन्जाई, और इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो डालूंगी जब ये बॉन्जाई में अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगा। और 6 महीने का ये प्लांट हो गया, और ये यहाँ पर एक सकुलेंट रखा है। इस सकुलेंट का मुझे नाम नहीं मालूम है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। और इसके जस्ट आगे मैंने कुबेर प्लांट रखा है, क्योंकि कुबेर प्लांट को थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, तो इसको मैंने अलग से रखा है। और यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके से दिख रहा है, और मेरी बेटी मिट्टी से खेल रही है, मिट्टी सूख रही है, तो और जब भी मिट्टी सूखती है तो ये ज़रूर खेलती है। ये देखिए कोना पूरा दिखाती हूँ मैं आपको, इस पूरे कोने में ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर हैंगिंग बास्केट भी है सारी, ये सारी हैंगिंग बास्केट्स जिसमें टैंगल हार्ट, टर्टल वाइन बास्केट्स में, फिर कभी आराम से आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी। अभी मिट्टी सूख रही है तो मैं उस तरफ बास्केट दिखाने के लिए नहीं जा पाऊंगी। और यहाँ तक मैं आपको दिखा चुकी हूँ पूरा अरेंजमेंट्स, और अब बढ़ते हैं आगे। टोरेनिया वगैरह सारे यहीं रखे हैं, और ये आपने कल देखा ही होगा वीडियो में। और ये एक और फर्श पे रोजेज रखे हैं, यहाँ पर 2 रोजेज रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक टोमेटो प्लांट है जिसमें काफ़ी अच्छे टोमेटोज आ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया टोमेटोज आ रहे हैं। और उसके पास में आइपोमिया है जो परमानेंटली वहीं रखा है, क्योंकि बहुत ही वाइन इधर उधर फैलती है तो इसे आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बहुत ही इजी टू ग्रो है आइपोमिया भी, इस पर भी मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये यहाँ पर इसी के सामने मैंने जाम का पेड़ गमले में जो लगाया हुआ है, अमरूद का पौधा हो रखा है। इसके आगे मैंने ग्लैडियस के बल्ब जो लगाए थे, अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, वो रखे हैं। उसका पॉट रखा है, रेन लिली का पॉट रखा है। यहाँ पे पर्सुलेन की बास्केट आ गई फिर से, इसको टांगना है लेकिन थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। और ये यहाँ पर अपराजिता की बेल है, ब्लू वाली। उसके पास सारे भिंडी के प्लांट्स लगे हुए हैं, क्योंकि अब ये सब डिसमेंटल होने वाले हैं, अब थोड़ा ही इनका टाइम पीरियड बचा है। इनमें कीड़ों का भी अटैक हो रहा है, तो इनको मैंने पीछे सरका दिए। यहाँ पर फिर से ये टोमेटोज रखे हैं, और वहाँ कोने में मैंने अडेनियम एज अ एक्सपेरिमेंट, ये अडेनियम थोड़ा सड़ सा गया था तो इसको मैंने सुखा के और फिर से लगाया है, तो ये फिर से चल गया है। भिंडी और अपराजिता के प्लांट के आगे मैंने एक और फर्श रखी है जिसपे मैंने बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं यहाँ पर। और इसमें यहाँ पर विंका रखा है वाइट कलर का, देसी वाला। और इसके बाद मोगरा बेल है, और उसके बाद ये कोरोडेंड्रम, और सॉरी रोडोडेंड्रम, और ये मल्टी पेटल, यहाँ पर ये ट्यूबर रोज है, ट्यूबर रोज ब्लू कलर का, जो ट्यूबर से चलता है प्लांट। अगर आपको कोई पूरी क्यारी कवर करनी है तो इससे अच्छे से कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर मल्टी पेटल चांदनी रखा है, और इसी के आगे ये ब्लू कलर का देसी विंका है। और यहाँ पर फिलोडेंड्रॉन है जो चल नहीं रहा था, तो मैंने ऊपर धूप में ला के रखा तो थोड़ा अच्छे से चल रहा है। फिर यहाँ पर सेवंती के प्लांट आ गए हैं, गुलदाउदी, और अच्छे से चल रहे हैं। अब इनकी कटिंग फिर से ग्रो करने का समय हो गया है, बारिशों में मैंने की थी बट हो नहीं पाई। यहाँ पर अडेनियम भी रखा है इस फर्श पर, कॉस्मोस रखा है यहाँ पर, यहाँ पर दूसरे कलर का कॉस्मोस है, अभी इसमें न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है। ये कटिंग्स है अडेनियम की, ये भी अच्छे से चल रही है। पर्सुलेन की बास्केट रखी है, वो भी बहुत सुंदर लग रही है। और ये कोनाई इस तरीके से दिख रहा है, ये देखिए आप, कैसा लगा आपको मेरा अरेंजमेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर कोने में गुड़हल रखा है,
और उसके पास ये देखिए ये गुड़हल रखा है यहाँ पर मैंने, ये पिंक कलर का गुड़हल है। अभी आपको मैंने बेबी पिंक कलर का गुड़हल दिखाया था लेकिन ये पिंक कलर का गुड़हल है। यहाँ पर ये सारे बोगनवेलिया रखे हैं। यहाँ पर फिर से एक टोमेटो प्लांट है। यहाँ पर मेरा एक ग्रो बैग भी रखा है जिसमें मैंने तुरई की बेल लगाए हैं। 4 तुरई की बेलें चल रही है और काफ़ी उनकी कंडीशन अभी ख़राब है लेकिन फिर भी फ्रूटिंग कर रही हैं। हफ्ते में एक बार तो तुरई की सब्ज़ी बन ही जाती है। और यहाँ पर भिंडी का प्लांट है तो जैसा कि मैंने आपको बताया सभी डिसमेंटल करने के लिए हो रहे हैं, तो अभी मुझे ये कोना थोड़ा ठीक करना है, ये वाला जहाँ पर ये ग्रो बैग रखा है ब्लू ग्रीन कलर का, और ये सब भी मुझे ठीक करना है तो वो भी मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे लौकी की बेल है, यहाँ पर वाटर लिली रखा है और उसके आगे ये देखिए सब सब मेरा अभी काम चल रहा है अभी गार्डन में, और भी अरेंजमेंट्स कर रही हूँ मैं। यहाँ पर केल का प्लांट भी है और ये देखिए ये कोना तो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, बेगम बहार, उसके बाद टिकोमा, फिर एक रोज़ है और फिर अगेन एक रोज़ है, उसके बाद यहाँ पर फिर से टिकोमा है ऑरेंज कलर का, और रजनीगंधा और मधुकामनी का प्लांट, और उसके आगे फिर ये देखिए ग्रो बैग मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये है मेरा सारा अरेंजमेंट्स, मैं आपको एक बार पूरा ओवरव्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही मेहनत करी है मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने, और ये पूरा ये देखिए अरेंजमेंट्स पूरा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से थोड़ी कोशिश करिए, मेहनत करिए। अगर आप हमारी मेहनत को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हैंगिंग बास्केट, मैं आपको इसमें क्या क्या लगाया है उसका वीडियो अलग से शेयर करूंगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँचती रहे। और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, तब तक के बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।